अस्सलामुअलैकुम, मैं शेख ज़िया और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बाबा डेली किचन। आज बाबा डेली किचन के अंदर आपकी नज़र करता हूँ एक रेसिपी, जिसको कहते हैं कढ़ाई कीमा। मोटी मशीन का कीमा है और इसकी हम कढ़ाई स्टाइल का बनाएंगे, बहुत लाजवाब बनता है। इसके जो मटेरियल है वो मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ क्या क्या मैं इसमें चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। चलिए आइए, एक प्याली टमाटर का पेस्ट, एक प्याली दही का पेस्ट, ये दही, एक प्याली प्याज चॉप की हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक चॉप किया हुआ, 2 से 3 दाने दालचीनी, 4 लौंगे, थोड़ी सी 10 से 12 दाने काली मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला, ये गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हमने, जिसमें 1 टेबल स्पून पाउडर मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कटर मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया, 100 ग्राम कुकिंग ऑयल के बाद 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, 2 से 3 डंडियां दालचीनी की, 4 से 5 दाने लौंग हैं, 10 से 12 दाने काली मिर्च साबुत डाल दीजिए, 1 प्याली इसके अंदर टमाटर का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून सौंफ और 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, इन दोनों को 1 टेबल स्पून बना लीजिए आप। ये 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून धनिया है साबुत धनिया। अपने धनिया को पीसने से, अपने धनिया को कूटने से लज्जत और खुशबू बेशुमार ज्यादा होती है, तो लिहाजा किया करें कि पिसा हुआ कम से कम इस्तेमाल किया करें। अभी जो मसाले हमने आपको डिस्प्ले कराए हैं, इन सबको इसमें डाल देंगे। मसाले के डालने के बाद आपने प्याज भी ऐड कर देनी है, प्याज को बिल्कुल भी लाल नहीं करना, सिर्फ थिक ग्रेवी बनाना है इसकी। इस स्टेप पर आके आपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दीजिए, 2 से 3 मिनट वेट कीजिए इसका, उसके बाद हम इसमें कीमा का इजाफा करते हैं। इस स्टेप पे आगे आपने 1/2 किलो कीमा है, ये देखिए 1/2 किलो कीमा मोटी मशीन के इसमें आप जब डालेंगे कीमा तो ये नज़र आएगा, बारीक मशीन का नज़र नहीं आता। और अगर हाथ का कीमा कसाब भाई से कुटवाते हैं तो वो उसमें लेस नहीं बन पाता, मशीन में लेस बन जाता है तो लज्जत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब आप इस कीमे के साथ साथ इसमें दही का इजाफा कर दीजिए, ताकि दही के पानी के अंदर ही आपका कीमा और अगर आप बेहतर समझते हैं कि गोश्त किस टाइप का है उस हिसाब से आप इसमें 1 प्याली पानी भी लगा सकते हैं। बच्चे अगर गोश्त तो एक भाप में आ जाता है, जी मसालों का तालमेल पूरा हो गया। अब इसको हम करते हैं कवर,
6 से 7 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह कुक हो जाएगा। 7 से 8 मिनट इसको हो चुके, अब आप देखते हैं क्या सीन है इसका। ठीक हो गया। इसके साथ हम ग्रीन चिली लगा देंगे, सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है, इसमें कोई तेजी होती नहीं है अपनी, एक अच्छा सा लुक देती है। अदरक का जिंजर और इस कढ़ाई की कीमे के साथ अगर आपके पास पॉसिबल हो तो 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का लगा दीजिए। मेरे पास है नहीं इस वक्त, वरना मैं ज़रूर लगाता। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का जब इसमें लगाएंगे तो इसकी चसक 2-3 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और खाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कढ़ाई कीमा, बीफ कढ़ाई कीमा तैयार है, आप भी बनाइए, मज़े उड़ाइए और ज़िया भाई को दुआ में याद रखिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।